ये देखिए ये जो गेट है ये गांधी पार्क का गेट है। गाइस यहाँ पे एक बढ़िया जो फेमस स्टूडियो है वो है मुमताज स्टूडियो, जो कि यहाँ पे नया खुला है। और ये देख सकते हैं कि है मुमताज स्टूडियो। हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, और मैं हूँ करण श्रीवास्तव। और आज हमने डिसाइड किया कि अपने रसना सिटी को नाइट में ट्रेवल कराने का, नाइट में दिखाने का कि रसना सिटी नाइट में लगता कैसा है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सबसे पहले भगत सिंह चौराहे पे, फिर वहाँ से हम मार्केट होते हुए आएंगे घोड़े चौराहे पे। यार ये तो ट्रैफिक लगा हुआ है बहुत बड़ा वाला। लगता है कि ट्रेन जा रही थी इसलिए ट्रैफिक लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। चल जाओ भाई। भाई ये देखो ये पेट्रोल पंप है यहाँ का, इंडियन ऑयल जो दिखे हैं तो कुछ दिखा दें आपको। ये इंडियन ऑयल है पेट्रोल पंप, और ये आगे पड़ता है चितौनी पड़ता है, ये रेलवे क्रॉसिंग है यहाँ पे। दिखाते हैं आपको रुपये तो गाड़ी निकाल लें यहाँ पे। बहुत ज़्यादा काफ़ी जाम लग जाता है यहाँ पे। गाइस यहाँ पे आगे पड़ेगा रेलवे स्टेशन जो कि रसना का रेलवे स्टेशन है। देखिए सामने आगे पड़ेगा, इसके सामने रेलवे स्टेशन आगे दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये जो मंदिर है इसके सामने हमारा जो रसना का रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, ये रसना का रेलवे स्टेशन है। और इससे आगे हम निकलेंगे तो आगे पड़ेगा भगत सिंह चौराहा, और फिर वहाँ से हम रिटर्न हो जाएंगे घोड़े चौराहे के लिए। मार्केट से होते हुए छोटा सा ट्रेवल हो जाएगा हमारा। ऐसे कुछ लाइटें लगी हुई हैं, और ये जो है यहाँ के विधायक हैं उमा शंकर सिंह, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास किया है यहाँ पे, रोड से लेके लाइट जो भी आप देख रहे हैं, मतलब जो भी नहीं क्या रोड पे दिखाई दे रहा है वो हर चीज़ें लगभग उनके अंडर में हुई है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम भी हुआ है, अच्छा भी लगता है बहुत ज़्यादा। ये है बस स्टैंड यहाँ का, सरकारी बस स्टैंड यहाँ पर बस रुकती है, हम राइट लेफ्ट हो जाएंगे मार्केट के लिए। ये दिखता है, और ये जो है वो अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज है, ये इसका कॉलेज है। गाइस ये है भगत सिंह चौराहा, और इसके आगे जाएंगे तो कुटवारी मोड़ पड़ेगा। तो आगे यहाँ पे पड़ेगा वो कुटवारी मोड़ है, कुटवारी मोड़ से फिर हम लोग रिटर्न हो जाएंगे मार्केट होते हुए, घोड़े चौराहे पे जाना है हमें। ये देखिए रात को यहाँ पे कुछ ऐसा सीन ऐसा दिखता है, काफ़ी अंधेरा है इधर। यहाँ पे कुटवारी मोड़ पे बेहतरी है, बढ़िया है, नया खुला है यहाँ पे, काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। ये देखिए ये है स्वीट बेकरी,
और यहाँ से हम आगे अगर जाएंगे तो पड़ेगा हमारा भगत सिंह चौराहा। भगत सिंह चौराहे से हम मार्केट होते हुए निकल जाएंगे घोड़े चौराहे पे, और मार्केट का भी आपको दिखा देते हैं कि रात के टाइम में रखना का मार्केट कैसा दिखता है। गाइस ये जो है रास्ता वो मार्केट का है, भगत सिंह चौराहे से और घोड़े चौराहे तक वो पूरा मार्केट का रास्ता है। तो बाहर बार वो जो हाईवे निकल गया है, बाईपास से वो निकल जाते हैं भाई, उसको जाना होता है। और ये मार्केट है निकल पूरा, अभी पहले बहुत सारे दुकान थे इधर साइड साइड में, लेकिन कुछ आदेश हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा तो सब कुछ हटा दिया गया है। तो अभी नीट एंड क्लीन हो गया, रास्ते जो है चौड़े हो गए हैं, जिससे रोड तक काफ़ी दुकानें छोटी छोटी लगा के सब कुछ बैठ जाते थे। तो काफ़ी अभी लुक चेंज हो गया है, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। गाइस यहाँ पे एक बढ़िया जो फेमस स्टूडियो है वो है मुमताज स्टूडियो, जो कि यहाँ पे नया खुला है। ये देख सकते हैं ये है मुमताज स्टूडियो, और फिर आगे निकलते हैं। ये जो है वो हॉस्पिटल रोड है, सरकारी हॉस्पिटल रत्ना का। ये जो सामने का आप गेट देख रहे हैं, ये गेट है सरकारी हॉस्पिटल का, ये घुमा भी देते हैं आपको। ये रास्ता सरकारी हॉस्पिटल के लिए जाता है, और ये सामने रहा यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, देख सकते हैं। ऐसे पीछे फिर हम निकलते हैं मार्केट होते हुए घोड़े चौराहे पे। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है पूरा दवाई का। और ये जो रास्ता है वो जाता है स्टेशन रोड की तरफ, जिस रोड से अभी हम आए वो जाकर उसमें मिल जाता है। और इसे जो हाँ ये मुंसफी चौराहा है अभी यहाँ पे। आगे एक तो बढ़िया सा लोकेशन है जो कि गांधी पार्क पड़ता है, ये हमारा सामने है। ये देखिए ये जो गेट है ये गांधी पार्क का गेट है। और फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या नज़ारा है। इससे आगे हम लोग जाएंगे तो नाथ जी का मंदिर है, लेकिन थोड़ा सा अलग रूट है। तो आइए वैसे ही चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ का क्या लुक है रात के टाइम में। ये वाला जो रास्ता है वो नाथ बाबा के मंदिर की साइड पे चला जाएगा, और ये वाला जो रास्ता है वो घोड़े चौराहे पे जाता है।
तो ऐसे हो के भी हम घोड़े चौराहे पे जा सकते हैं थोड़ा सा घूम के। तो इसी रास्ते से हम जाएंगे घोड़े चौराहे पे, फिर वहाँ से हम घर निकल जाएंगे। गाइस ये जो चौराहा है ये नाथ बाबा चौराहा है, इन्हीं के नाम पे है। और ये देख सकते हैं आप, गेट है यहाँ का नाथ जी का, यहाँ से मंदिर स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ है। तो ये गेट है वहाँ का और आगे चलते हैं। जो सामने वाला मंदिर है अभी बाहर से ही हम दिखाएंगे आपको, दिन में अच्छे से वीडियो उसके बनाएंगे। नाइट के टाइम में सामने से कुछ अभी आई थिंक लाइट्स यहाँ पे नहीं जल रही है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा उजाला रहता है। तो ये नाथ जी का मटिया है पूरा, यहाँ पे हमेशा लोग रहते हैं, काफ़ी भीड़ भी रहती है। और ऐसे होते हुए हम लोग निकल जाएंगे घोड़े चौराहे पे। ये जो है आपको वीडियो में दिखाया था उस दिन, ये जो है वह फील्ड है पूरा वहाँ। ये जो नाथ वाला रोड से अगर आप आएंगे घोड़े चौराहे पे, तो वहाँ पे कुछ होटल्स वगैरह हैं, नाइट के टाइम में भी आप या फिर डे में भी खाना खा सकते हैं, खुला रहता है। तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। यहाँ से होके हम गए थे भगत सिंह चौराहे पे, भगत सिंह चौराहे से फिर नाथ जी का मठिया होते हुए, मार्केट से होते हुए हम आ गए हैं घोड़े चौराहे पे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट डे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो ये कुछ नज़ारा है यहाँ का, ऐसे दिखता है ये रोड जो है, ये मऊ चला जाता है, मऊ के लिए रोड जाता है। और यहाँ से आगे जाएंगे तो हमारा घर पड़ता है, आगे एक रोड है, वहाँ से हम कट ले लेंगे तो हमारा घर है।